अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/2/2021। आज जो मुरली के अंदर गीत की लाइन आई है, तकदीर जगाकर आई हूँ मैं, एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। बाबा के समय, साकार बाबा के समय बहुत अच्छे अच्छे गीत बने हुए जो बजते रहते थे, तो बाबा कई बार गीतों का बहुत अच्छा अच्छा अर्थ हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे ये गीत सुनकर के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, अर्थात खुशी अंदर उत्पन्न हो जाए, चेहरे पर आ जाए। सोई हुई तकदीर, रावण ने हमारी तकदीर को सुला दिया, ऐसी सोई हुई तकदीर बाबा जगा रहे हैं। और वो भी कैसी तकदीर, तो बाबा कहते विश्व का मालिक बनाता हूँ, विश्व की बादशाही देता हूँ। और वो भी कौन सा विश्व, जिनको स्वर्ग कहें, हेवन कहें, पैराडाइज कहें,
ऐसी दुनिया का बाबा मालिक बना देते हैं, कितनी बड़ी तकदीर जग जाती है। उनसे बढ़कर के तो कोई तकदीर ही नहीं है कि हम देवता बन जाते हैं। इस समय रावण ने हमारी बुद्धि को पत्थर बुद्धि बना दिया और बाबा बनाते पारस बुद्धि। तो बाबा कहते बच्चे जितनी पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ोगे ना उतनी तुम्हारी बुद्धि पारस बनेगी। क्यों? क्योंकि ये जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे या हम मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं ये बुद्धि को खुराक मिलती है। खुराक माजून कहो खुराक कहो ताकत कहो हमारी बुद्धि की ये खुराक है। इसे हमें रोज लेना है, बुद्धि को ताकतवान बनाना है ताकि हम बातों को समझ सके बाबा के ज्ञान को समझ सके। बुद्धि पारस बने बाबा के साथ जुड़ी हुई रहे। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली में सुनेंगे। आज तो 13 तारीख बाप दादा हमसे शाम को मंगल मिलन भी मनाएंगे और आज विशेष मुंबई महाराष्ट्र आंध्र हमारा ही टर्न है तो शाम को भी हम बाप दादा से मंगल मिलन मनाएंगे और अभी हम बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है। कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है। उत्तर है ये पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि का खुराक। पढ़ाई है बच्चों के बुद्धि का खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते अर्थात इस खुराक को लेते हैं उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। रोज खुराक को लेना पड़े सेंटर पर आना मुरली सुनना फिर घर में दोबारा उसका अध्ययन करना पढ़ना तो ये खुराक का काम करती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिमानों का बुद्धि है वो तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाता है। भक्ति मार्ग में कहते भगवान सद्बुद्धि दो इनको बुद्धि दो। बाबा है बुद्धिवानों का बुद्धिवान। तो बाबा कहते बच्चे ये खुराक रोज लो। गीत बजा है तकदीर जगा कर आई हूँ मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत लोगों का बना हुआ उन्होंने भले स्टोरी के हिसाब से बनाया हो लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों के लिए ये गीत है तो कॉमन गीत परंतु उसका सार कोई नहीं जानता। बाबा आकर के गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। कुंभकर्ण के नींद में लोग भी सोए हैं
तो तकदीर भी सो गई। सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है, सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक बाबा है। बाबा हमारी तकदीर कैसे जगाते, तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को श्रीमत दे रहे, हम बच्चों से तदबीर कराते, पुरुषार्थ कराते। अगर हम बाबा के बच्चे बराबर पुरुषार्थ करेंगे, जैसे जैसे बाबा हम बच्चों को श्रीमत दे रहे, ऑटोमेटिक हमारी तकदीर ऊंची बनती जाती है, बनती जाती है। वही बाप बच्चों की तकदीर जगाते। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। लौकिक की बात बाबा बता रहे हैं कि बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। जितनी भी बाप की प्रॉपर्टी है घर में, बच्चा पैदा हुआ सब समझेंगे वारिस आ गया। हूबहू ये फिर बेहद की बात है। वो तो अभी प्रॉपर्टी आजकल रही नहीं लोगों को, भारत कंगाल, सारे कंगाल हो गए। थोड़े से कोई लोग हैं जिनके पास धन संपत्तियां वगैरह है, लेकिन बेहद की बात देखी जाए तो बाबा हम बच्चों को देखो बेहद का कितना श्रेष्ठ ऊंचा वर्षा दे रहे। बच्चे जानते कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और फिर सो जाती है। पवित्र पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता। बाबा ने हम बच्चों को प्रवृत्ति में रहकर पावन गृहस्थ आश्रम बनाना सिखाया। आज लोगों का क्या है, गृहस्थ अलग है, आश्रम अलग है। आश्रम माना पवित्रता, तो बाबा ने गृहस्थ आश्रम बना दिया। आश्रम अक्षर पवित्र होता है, पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो उनके अगेंस्ट में फिर क्या कहेंगे, अपोजिट में अपवित्र पतित ग्रस्त धर्म आश्रम नहीं कहेंगे। आज का ग्रस्त धर्म धर्म भी नहीं रहा तो आश्रम का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो बाबा कहते अभी तो कहेंगे पतित ग्रस्त धर्म। ग्रस्त धर्म तो सबका ही है, यहाँ तक कि बाबा कहते जानवरों में भी है, वो भी बच्चे पैदा करते, उनका भी परिवार होता है। बच्चे तो सब पैदा करते ना, जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते, देवताओं की महिमा बाबा बता रहे कि सर्वगुण संपन्न, सुलाह कला संपूर्ण, तुम खुद भी गाते थे अज्ञान काल में, भक्ति मार्ग में हम बच्चे भी गाते थे। अब ऐसे बन रहे, अब समझते हो कि हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे, अब तो और खुशी की बात है। पहले तो सोचते थे कोई देवता होकर के गए जो सर्वगुण संपन्न थे, अभी हम समझते हम ही थे और खुद को बना रहे। गायन भी है, फिर उसकी कहावत बाबा ने याद कराई कौन सी, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वा। अगर ऐसे कर्म करते हैं अवश्य देवता बन सकते हैं, देर नहीं लगती। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे, ब्रह्मा देवताय नमः। फिर कहते ना विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। अभी उनका अर्थ भी तो तुम जानते हो,
वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवता नमः कहते, तीनों के लिए कहते ना, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्मा नमः, तो फर्क हो गया। ऑटोमेटिकली सिद्ध होता है कि शिव और शंकर अलग है। शंकर के बाद कहेंगे शिव परमात्मा नमः, वो देवता हो गया और वो परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते हैं। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे ना। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरते हैं, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते हैं, वो भी ड्रामा में नोंद है। सबसे बुद्धिमान कौन? एक शिव बाबा। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, अभी हमारी बुद्धि में दम नहीं रहा। क्यों? बुद्धिहीन के समान हो गए, कलाहीन बन गए, बुद्धिहीन गए, विकारी बुद्धि बन गई, तो दम नहीं रहा। बाबा उन्हों को बैठ करके पारस बुद्धि बनाते जिनकी बुद्धि में दम नहीं, और बाबा बनाते पारस बुद्धि। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ का भी मंदिर है, वहां मेले लगते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि पारसनाथ है कौन। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाबा ही है, वो है बुद्धिवानों का बुद्धि। बार बार बाबा ये बात रिपीट कर रहे, शिव बाबा बुद्धिवानों का बुद्धि है। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक, इनसे बुद्धि कितना पलटती है। ये ज्ञान स्वीकार करते करते बुद्धि में ताकत आ जाती है। ये दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरो नरक, गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है। अब क्यों पढ़ते गरुड़ पुराण? कोई मर जाता है ना तो कई रखते हैं, आजकल इतना सिस्टम नहीं है, तो उसके अंदर बताया है ये कर्म करेंगे तो कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े बनेंगे, ताकि लोगों को डर बैठे कि हम अच्छा कर्म करें। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है ना अभी। हाँ, बुद्धि को खुराक मिल रही है, ताकत आ रही बुद्धि के अंदर। बेहद का बाबा खुराक दे रहे, ये है पढ़ाई। अच्छा, इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं, कोई जल आदि नहीं है। अमृत माना पीने की बात आ जाती है ना, तो बाबा कहते कोई जल आदि की बात नहीं है। आजकल तो सब चीजों को अमृत कह देते, गंगा जल को भी अमृत कहते, उनको तो स्पेशल अमृत कहते हैं कि भाई गंगा जल मुख में हुआ बेड़ा पार हो गया। देवताओं के पैर धोकर पीते तो उसको भी अमृत कह देते, अपने गुरु के भी पैर धोते उसको भी अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से तो समझने की बात है ना, ये अंचली अमृत है या पतित पावन गंगा का जल अमृत है। अंचली जो देते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। हाँ, गंगा जल के लिए कहते ये पतित पावनी है, कहते भी हैं मनुष्य अगर मरे तो गंगा जल उनके मुख में हो। दिखाते कि अर्जुन ने बाण मारा अमृत जल निकल आया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए, जो स्थूल बाण दिखाते हैं ना मारने के, तीर कमान वगैरह, बाबा कहते वो थोड़ी चलाते हैं। एक गांव है जहाँ पे बाणों से लड़ते, कितने गांव और क्या क्या रस्म रिवाज अब तक भी कहाँ कहाँ चलती है। तो बाबा कहते एक गांव है जहाँ पर ना बाणों से लड़ते हैं,
वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता, वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु एक शिव बाबा है जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ लेके जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई ले ही नहीं जा सकता, रास्ता ही नहीं मालूम है। ब्रह्म में लीन हो जाने की तो कोई बात ही नहीं है, ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता रहता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह अभी तुम जानते हो, और तो कोई जानता नहीं। हमको बाबा ने बताया इसीलिए हम समझ सकते हैं, वरना तो हम भी पहले नहीं जानते थे। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को नहीं जानती हैं, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉडफादर। हद के बाप को कभी गॉडफादर नहीं कहेंगे, गॉडफादर एक ही को कहेंगे। लौकिक बाप है उसको गॉडफादर नहीं कहते। गॉडफादर अक्सर बहुत रिस्पेक्ट से कहते, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आता। गॉडफादर बोला मना भगवान के तरफ ऑटोमेटिकली वृत्ति दृष्टि हमारी जाती है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। उसके लिए गाते की पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, देखो बाबा कहते भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में ना समझ है नहीं, बुद्धि है नहीं, वो तो अभी समझ में आया, तो दोनों दोनों बातें कर, बुद्धि नहीं चलती कि ये दो बात कैसे हो सकती है। जैसे अभी बाबा बता रहे हैं, एक तरफ भगवान को क्या बोला, दुख हरता सुख करता, दुख हरने वाला, प्लस दुख आता है तो याद भी उसको करते, क्योंकि आत्मा को फील होता है कि दुख हरने वाला भगवान ही है, वही शक्ति देगा। फिर बाबा कहते बच्चा मर जाता है जब, सॉरी दुख हरता सुख कर, जब कोई दुख आता है या समझो बच्चा मर जाता है, कहते ईश्वरी दुख सुख देता है, ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। तो देखो दोनों ऑपोजिट बात हो गई, बच्चा आया जन्मा भगवान की कृपा, उनकी अमानत है, शुक्रिया अदा करें। फिर बाबा कहते मर गया, दोष मेरे को देते, कहेंगे भगवान तुमको मेरा ही बच्चा मिला इतनी सारी दुनिया में। तो देखो दोनों बातें अलग अलग होती हैं। तो कहते ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। अब महिमा एक करते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते, कहते भी है ना कि ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापिस ले लिया तो रोते क्यों। जन्म के समय अगर बोला ईश्वर ने दिया तो वो उसकी चीज हो गई, तो उसने ले लिया, रोते क्यों, ईश्वर के पास गया ना, उसका था उसने ले लिया। सतयुग में तो कभी कोई रोते नहीं, बाप समझाते बच्चे रोने की तो कोई दरकार ही नहीं, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर दूसरा जन्म लेना है, पाठ बजाना है। बहुत बाबा कहते बच्चे कैजुअली बन जाओ, इसमें स्वाभाविक बन जाओ, आत्मा ने शरीर छोड़ा जाके दूसरा पार्ट प्ले किया, दूसरे शरीर में प्रवेश किया। ज्ञान न होने के कारण न मनुष्य कितना रोते हैं, ऐसा रोते जैसे पागल हो जाते, मोह पड़ा रहते है ना, पागल हो जाते। या तो बाप समझाते अब हम ज्ञानी बन गए समझदार बन गए, तो अभी हम बच्चों के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छा स्लोगन कहो, कहावत कहो, धारणा कहो, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना, क्योंकि ज्ञान दे दिया बाबा ने, समझ दे दी। आत्मा एक शरीर छोड़ जाके दूसरा लेती है,
तो रोने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चों के लिए बाबा ने ये समझाया है कि अम्मा मरे तो हलवा खाना नष्ट हो मुआ होना है। हमारा तो एक बेहद का बाबा, दूसरा न कोई, तो ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। और ये परिस्थिति हर एक के पास आती है, हर एक के पास कोई ना कोई की मृत्यु होती है, तब चेक करो कि हम नष्ट मोहा है। मोह जीत राजा की कथा भी तो सुनी है ना, ये सब है दंत कथा है। सत्युग में कभी दुख की बात ही नहीं होती और न वहां कभी अकाल मृत्यु होती है। बच्चे जानते हम काल पर जीत पा लेते हैं। बाबा को कहते महाकाल, कालों का काल, महाकालेश्वर। कालों का काल तुमको काल पे जीत पहनाता है, अर्थात काल कभी सतयुग में खाता नहीं। काल आत्मा को तो खा नहीं सकता, आत्मा एक शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है, उसको कहते काल खा गया, मृत्यु हो गई, काल खा गया। मनुष्य तो महिमा गाते हैं पर समझते कुछ भी नहीं। अब गाते हैं अचतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते, बिल्कुल मनुष्य समझ से बाहर हो गए। बाप समझाते हैं ये पांच विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर भी जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ करने, तुम तो जाते ही नहीं हो। देखो फर्क पड़ गया ना, बाबा के बच्चे बने अभी भक्ति मार्ग के धक्के छूट गए। बड़े बड़े लोग भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। अब हम बच्चों को तो बाबा ने याद की यात्रा सिखा दी, कायम के लिए हम यात्रा पर हैं। तो बाबा कहते तुम नहीं जाते हो ना, तो लोग क्या कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो नास्तिक बन गए, भक्ति नहीं करते, यात्राओं पे नहीं जाते, गुरुओं के पास नहीं जाते, ब्राह्मणों को दान पुण्य नहीं करते, भक्ति नहीं करते, नास्तिक हो गए। फिर तुम क्या कहते हो, जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक। हम कहते दुनिया नास्तिक, दुनिया कहती हम नास्तिक। बाप को तो कोई जानते नहीं, तो इसलिए ये है आर्फन की दुनिया, निधन का। कितना आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो ये सारी दुनिया बाबा का घर है। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आए हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी, गाते भी बहुत सारी कहावत है आज की मुरली में, नोट करो, राम राजा राम प्रजा राम शौकार, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो गायन है राम राजा राम प्रजा, वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती, उनके राज्य में धर्म है, धर्म में इनसे धारणा है, मर्यादा पूर्ण है। तो बाबा कहते वहां पे अधर्म कैसे होगा, कहेंगे राम की सीता चुराई गई, अब ये तो अधर्म हो गया। कहते वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं तो रावण वहां कहां से आया, समझते ही नहीं है। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर ना हंसते हैं और फिर वो क्या करते हैं अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते, ऐसी ऐसी बातें सुनाकर, आपका भगवान ने ये किया वो किया। तुम बच्चे जानते हो भी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। ये पति दुनिया है ना, अब प्रेरणा से तो कोई पतितों से पावन नहीं बनाऊंगा, ये काम कैसे प्रेरणा से चलेगा। बुलाते पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ, तो जरूर भारत में आया था। अब भी कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में सारा ज्ञान, क्योंकि यही बाबा ज्ञान का सागर, वही बाप बैठ बच्चों को सब समझाते हैं। शास्त्रों में है सब दंत कथा, अनेक कहानियां बना दी और लोग उसको कनरस समझकर आनंद लेते अल्पकाल का। नाम क्या रख दिया, व्यास, भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था तो भक्ति मार्ग का, और ये है व्यास देव, वो व्यास भक्ति मार्ग का।
ये है व्यास देव, उनके बच्चे तुम हो सुख देव। नोट करो, व्यास देव ब्रह्मा बाबा के बच्चे हमें सुख देव। हमेशा अपना नाम याद रखो, मैं सुख देव। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से या शिवाचार्य से। व्यास के तुम बच्चे हो, परंतु मनुष्य मुंझ न जावे ना, इसके लिए कहते शिव बाबा के बच्चे। उनका असल नाम तो शिव बाबा है ना, तो अभी बाबा कहते बच्चे किसी देहधारी को मत देखो, देह से न्यारे, देह में होते हुए भी देह से न्यारे बनो। जबकि शिव बाबा तो सन्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो है परमपिता परमात्मा शिव, वही आकर पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता, देखा नहीं जाता। ये बाबा कहते बच्चे पक्का कराओ, आत्मा को कोई देख सकता है नहीं, पर मालूम कैसे पड़ता कि उसके निकल जाने से शरीर मुर्दा हो जाता, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आत्मा को समझा जाता है, देखा नहीं जाता। वैसे ही परमात्मा को भी समझा जाता है, अनुभव किया जाता है। बाबा पूछते हैं तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ, कल्पना करते रहो, सोचते रहो, मनन करो, बहुत वंडर खाएंगे। बिंदी आत्मा कितना पाठ बजाती है, ये जैसे एक रिकॉर्ड है। बहुत पहले जब बाबा की ये मुरली चलती थी, रिकॉर्ड बजते थे, तो बाबा कहते कैसे वो रिकॉर्ड को बार बार वहां से स्टार्टिंग से करो तो वही वही गीत बजेगा। तो आत्मा में भी ये रिकॉर्ड भरा हुआ है और वो घिसता नहीं है, मिटता नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तुम जानते हो कि हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी बन गए। तुम जानते हो कि हम आत्मा 84 जन्म लेती है, इनका एंड ही नहीं होता, अंत नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, बहुतों को ये विचार आता है, कब भी तो शुरू हुआ होगा, पर कुछ तो बताओ कितनी बार रिपीट हुआ। तो प्रश्न आता है ड्रामा कब से शुरू हुआ, बाबा हमेशा एक ही जवाब देते, ये तो अनादि है, मालूम नहीं, अनादि और कभी विनाश भी नहीं होगा। इनको कहा जाता बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, इसलिए कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। कोई भी दृश्य आया ना ड्रामा में, क्योंकि रिपीट हो रहा है, वापस भी रिपीट होगा, तो निश्चिंत रहें। ये तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। जैसे अनपढ़ बच्चों को क्या होता है, पढ़ाई कराई जाती है ना, तो आत्मा ही शरीर में रहती है। ये है पत्थर बुद्धि के लिए भोजन, फूड, इंग्लिश में फूड बोलते हैं ना, आत्मा के लिए, बुद्धि के लिए, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए, बहुत ही सहज है। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर है। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को तीन मुख दे दिए, देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा भला देवता कैसे हो सकता, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं इस शरीर में प्रवेश करके तुमको इनके द्वारा समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ये भी पांच विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को कहते योगी या ऋषि,
ऋषि शब्द भी बहुत अच्छा है। बाबा कहते तुम बच्चे हो राज योगी राज ऋषि, अभी तुम राज ऋषि बने हो, पांच विकारों का संन्यास तुमने किया तो नाम बदलता है, तुम तो राजयोगी बनते हो, प्रतिज्ञा करते हो। वो सन्यासी लोग घर बार छोड़ के चले जाते हैं और यहाँ बाबा ने क्या कहा, स्त्री पुरुष को इकट्ठा रहना है, घर बार नहीं छोड़ना है और ये अच्छी तरह से ध्यान देके उनको संभालो, पर प्रतिज्ञा पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। वह सन्यासी लोग तो चले जाते तो बाबा कहते तुम प्रतिज्ञा करते हो कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मूल बात विकार की है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं, वो बीज रूप सत्चित आनंद स्वरूप है, आनंद का सागर ज्ञान का सागर, स्थापना पालना विनाश कैसे कराते वो भी बाप जानते हैं, मनुष्य तो नहीं जानते, फट से कह देते। दूसरी बात क्या कहते मालूम है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमार यानी दुनिया का विनाश करा के छोड़ेंगे, क्योंकि बोलते रहे ना इतने बरसों से बोलते रहे कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, बहुत बरस हो गए तो तभी अभी तो फिर भी मानते हैं क्योंकि खुद ही अनुभव कर रहे, लेकिन तभी बोलते थे शुभ बोलो। आप क्या बोलते हो, आप ऐसा बोलते हो फिर विनाश करा के छोड़ोगे। बाबा क्या जवाब देते, बाबा कहते अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, कहते ये तो विनाश के लिए ही निमित्त बनी है, न शास्त्रों को मानते न भक्ति को मानते न गुरुओं को मानते, बस सिर्फ अपने दादा को मानती, उनको ब्रह्मा बाबा दिखते हैं, बस इन ब्रह्मा को मानती है दादा को मानती है बाकी कुछ नहीं मानते। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया, पतित दुनिया में कोई पावन नहीं होता, मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं ना वो बोलते, फिर समझो किसी ने किसी को सुनाया उनके कहने पे तीसरे को चौथे को सुनाते रहते हैं, ऐसी सुनी सुनाई बातों से क्या हो गया, भारत की दुर्गति हो गई। इसलिए बाबा ये तो ज्ञान की बातें शास्त्रों की, पर चिंतन में भी ऐसे होता है, सुनी सुनाई बातों को फैलाते रहते हैं ना तो वातावरण खराब हो जाता, तो भारत की दुर्गति हो गई। तभी बाबा आकर के सच सुना, तो सच सुनाने किसको आना पड़े, कहते गॉड इज ट्रुथ, वो ही बताएंगे आकर, तब जाके सबकी सदगति होती, जब बाबा सच बताते हैं तब सदगति होती है। अच्छा मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, ये पक्का करो, सबको मुझे सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरा, पढ़ाई सच्ची खुराक है, बुद्धि की खुराक बताए ना बाबा ने, सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़कर श्रीमत पर चलना है। बाबा क्या श्रीमत दे रहे, एक बाबा से ही सुनना है और मोह जीत बनना है, रोना नहीं आवे। वरदान, सदा स्वमान में स्थित रहे, निर्माण स्थिति द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहे, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव,
जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे, अभिमान खत्म हो जाएगा, फिर सर्व के द्वारा क्या होगा, अपने आप स्वतः मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, हमेशा याद रखो, मान प्यार महिमा मांगो नहीं, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। दूसरों को मान दो, प्यार दो, उनकी महिमा करो, ऑटोमेटिक मिलता है। क्योंकि सम्मान देना, ये देना नहीं है, लेना है। आपको चाहिए, आप हजारों को सम्मान दो। बाबा कहते देना लेना है, स्लोगन है। जानन हार के साथ करन हार बन, जानन हार के साथ करन हार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चल। जो असमर्थ आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं उनको अनुभूति होनी चाहिए, अनुभूति का प्रसाद बांटो। देखो प्रसाद की भक्ति मार्ग में भी बहुत महिमा गाई जाती है, तो ये प्रसाद देंगे तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। कुछ नगमे चुरा कर ला।